हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो है आरएनए, उसकी टाइप्स और थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में भी। हम उनके डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पे भी हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में। सो टू स्टार्ट विद, हमारे पास तीन मेन तरह के आरएनएज हैं। उसके अलावा कुछ और तरह के आरएनएज भी सेल में पाए जाते हैं। तो तीन मेन तरह के आरएनए हैं हमारे पास, दैट इज एमआरएनए, आल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। देन वी हैव आर आर एन ए, ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल आर एन ए। देन टी आर एन ए, ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर आर एन ए। इसके अलावा कुछ और आर एन एज जो कि बहुत कम अमाउंट में या जिनकी परसेंटेज बड़ी कम होती है और बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस में वो इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए, माइक्रो आर एन एज, राइबोजाइम्स और डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए। तो ये जो कैटेगराइज हैं अदर टाइप्स के अंडर, ये बहुत स्पेसिफिक तरह के आरएनएज होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ही करते हैं। जो मेन तीन तरह के आरएनए हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। सो मूविंग ऑन, द फर्स्ट टाइप इज आवर एमआरएनए, आल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। अब हम जब भी आरएनए की बात करेंगे, जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, तो एमआरएनए इज द थिंग। जब आपका डीएनए से जो आरएनए बनके हम बात करते हैं यूजली ट्रांसक्रिप्शन की, वो एमआरएनए की बात करते हैं। ऑल दो अगर हम इफ हम पिछली स्लाइड पे जाएं, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे मैंने बताई है आपको, इस कि आपके पास डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन के निकल रहा है, दिस प्रोसेस, सभी तरह के आरएनए इसी प्रोसेस से बनते हैं। आपका आरआरएनए राइबोसोम्स को बनाने में काम आता है, ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा, और एमआरएनए पहली चीज है, वो स्पीशीज है जो डीएनए का कोडेड मैसेज लेके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आगे जाएगा। सो मैसेंजर आरएनए अबाउट 5% होता है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 5% ऑफ द टोटल आरएनए प्रेजेंट। हिटेरोजीनियस होता है बिकॉज हर बार डिफरेंट तरह का मैसेज लेके ये जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, बनता है, अपना काम करता है, उसके बाद जो है इट अंडरगोज डीजनरेशन। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो इसकी जो सीक्वेंस होती है वो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैरी करता है। ये जो डीएनए के ऊपर कोड होता है उसको कोडॉन की फॉर्म में कैरी करता है ये। तो कोडॉन क्या है, जो तीन तीन बेसिस एमआरएनए पे होंगी, दे आर रेड एज वन कोड और कोडॉन, तीन बेस की सीक्वेंस एमआरएनए के ऊपर, उसको एक कोडॉन कहते हैं। हर तीन बेस पेयर की सीक्वेंस जो है एक कोडॉन कहलाएगी, और एक कोडॉन कोड करेगा एक अमाइनो एसिड के लिए। अब एमआरएनए की हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए, दोनों में कुछ फर्क रहता है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो आपका आप देखेंगे जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हो, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं, तो जो आपका डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कि आपका प्रोकैरियोट्स में डीएनए नेक्ड पड़ा है साइटोप्लाज्म में, और आपके यूकैरियोट्स में जो डीएनए है वो आपका वेल एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, वहां पड़ा है। तो अब आपका जो एमआरएनए है, अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, जहां पे एमआरएनए है वही राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में है, और आपका एमआरएनए भी एंड डीएनए आपका साइटोप्लाज्म में है। तो जहां एमआरएनए बनेगा वही राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। तो आपके प्रोकैरियोट्स के केस में जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है यानी कि एमआरएनए के बनना, और ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन्स का बनना, वो साथ साथ चलती है, वो दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती है। लेकिन यूकैरियोट्स में पहले एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और उसको न्यूक्लियस के बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर हैं साइटोप्लाज्म में। तो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों आपके सिस्टम्स में। आप प्रोकैरियोटिक सिस्टम को लेंगे या आप यूकैरियोटिक सिस्टम को देखेंगे, तो प्रोकैरियोट्स का सिस्टम के अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड रिएक्शंस हैं, जबकि आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ट्रांसलेशन होती है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है आपका यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में कपल्ड, दोनों मैकेनिज्म्स कपल्ड है। अब प्रोकैरियोट्स में यूजुअली जो एमआरएनए बनता है वो एक जीन से नहीं बनता, मींस एक एमआरएनए जो बन रहा है उसमें तीन चार पांच तरह के जीन प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। उस तरह के एमआरएनए को जो एक से ज्यादा जीन प्रोडक्ट्स कैरी करें या एक से ज्यादा प्रोटीन्स को कोड करें, उनको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए।
तो एमआरएनए एक साथ बन जाता है, उसके ऊपर से पेप्टाइड बन जाता है, वो पेप्टाइड बनने के बाद क्लीव होके अलग अलग प्रोटीन्स बनाते। यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यूकेरियोट्स में एक एमआरएनए विल कोड फॉर ए सिंगल पेप्टाइड। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, और जो आपका यूकेरियोटिक एमआरएनए है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। और आपको बता दिया मैंने, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही हो रही है उसके साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है, तो एमआरएनए कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं शो करता, एमआरएनए को कोई किसी भी तरह से मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूकेरियोट्स की अगर हम बात करेंगे तो यूकेरियोट्स में एमआरएनए ट्रेवल करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो उसके लिए एमआरएनए की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए की उसको स्पेसिफिसिटी भी चाहिए आगे राइबोसोम को साथ बाइंड करने के लिए। इसलिए एमआरएनए जो आपका यूकेरियोट्स में बनता है, जो इनिशियली बनेगा, उसको प्री आरएनए कहेंगे या एचएनआरएनए कहते हैं, हिटीरियो न्यूक्लियर आरएनए। वो आरएनए जो बनता है, जिसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कह सकते हैं, वो आरएनए अंडरगो करता है बहुत सारी मॉडिफिकेशंस। कॉमन सी मॉडिफिकेशंस हमारे पास हैं, जैसे कैपिंग है वो 5' एंड के ऊपर होगी एमआरएनए के, और टेलिंग है वो 3' एंड के ऊपर होगी। कैपिंग में एक 7-मिथाइल गुआनोसिन कैप लगती है 5' एंड के ऊपर, और 3' के ऊपर पॉली ए बहुत सारे एडिनोसिन रेजिड्यूज लग जाते हैं, जिसको पॉली एडेनाइलेशन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें एमआरएनए की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा स्प्लाइसिंग होती है, जो अनयूजफुल चीज सीक्वेंसेस होती हैं उस एमआरएनए की, जो किसी भी प्रोटीन के किसी भी रीजन को कोड नहीं करती, इनको इंट्रॉन्स कहते हैं, उसको निकाल लिया जाता है और एक्सॉन्स को साथ में जोड़ के एक कह लीजिए एमआरएनए जो फाइनल प्रोडक्ट जो है, इट विल बी लेसर इन साइज, इट विल बी मोर स्टेबल, इट विल बी हैविंग मॉडिफिकेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विद रिस्पेक्ट टू एमआरएनए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पे आप देखिए ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, इसके ऊपर कोई कैप नहीं, कोई टेल नहीं, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होती, और एक एमआरएनए के ऊपर 3 प्रोटीन बन रहे। जैसे आप देखिए प्रोटीन अल्फा बीटा गामा शो किया यहां पे, तो 3 प्रोटीन बन रहे हैं। इस तरह के एमआरएनए को आप बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। जबकि आप यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करेंगे तो आप देखिए यहां पे एक कैप लगी है 5' के ऊपर, और 3' के ऊपर बहुत सारे ए रेजिड्यूज हैं, विच कैन बी 150 to 200 रेजिड्यूज। तो इसको आप पॉली एडेनाइल टेल कहते हैं। तो 3' के ऊपर भी मॉडिफिकेशन है, 5' के ऊपर भी मॉडिफिकेशन है, और ये पूरी सीक्वेंस मिलके एक सिंगल प्रोटीन बनाएगी। तो ये आपका एमआरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक है, और ये आपका एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, बिकॉज इट इज मेकिंग 3 प्रोटीन्स। तो ये बात होगी एमआरएनए की, और एमआरएनए ही हम मोस्टली जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो हम एमआरएनए की ही बात करते हैं। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो दूसरा टाइप है आरएनए का, दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट सेल। तो सेल के अंदर जो आपका बल्क है आरएनए का, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 80-85% जो आरएनए है वो आपका राइबोसोमल आरएनए। इसका रोल क्या है? राइबोसोमल आरएनए इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को बनाता है आपका आरआरएनए। तो आप देखिए यहां पे सिंपल सी पिक्चर डिपिक्ट कर रही है कि आपका राइबोसोमल प्रोटीन जो होंगे वो मिलेंगे आरआरएनए के साथ, ये दोनों मिलके बनाएंगे सब यूनिट्स, ये दोनों मिलके स्मॉलर सब यूनिट भी बनाएंगे और लार्ज सब यूनिट बनाएंगे। ये दोनों जब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट मिलेंगे आपस में, तो पूरा राइबोसोम बनेगा। यहां पे आपको बताया हुआ है, जैसे आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हम 70S राइबोसोम कहते हैं और यूकैरियोटिक को 80S कहते हैं। तो 70S राइबोसोम के अंदर आपके पास 5S आरएनए है। ये एस जो है यहां पे डिनोट करता है स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कह लो, स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट कह लो, ये दोनों जो चीजें हैं ये सेडिमेंटेशन वैल्यू बताती है इस आरएनए की। तो 5S आरएनए होता है आपका लार्जर सब यूनिट में, और 23S आरएनए होता है स्मॉलर सब यूनिट में 16S। और हम बात करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की, तो जो लार्जर सब यूनिट है यानी कि 60S वाला, उसमें 5S है, 5.8S है और 28S है। तो ये डिफरेंट तरह के आरएनएस, राइबोसोमल आरएनएस मिलके पूरे राइबोसोम्स को बनाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो इनका मेन काम है टू मेक राइबोसोम्स, बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन्स को बनाएंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको बनाने में आपका आरआरएनए बहुत यूजफुल है, और यही आपका बल्क ऑफ द आरएनए। राइबोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और दे आर स्टेबल, क्वाइट स्टेबल स्ट्रक्चर्स। तो ये आपका एमआरएनए, इसकी जो लाइफ है काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एमआरएनए, और ये काफी देर तक रहते हैं। तो 80% ऑफ टोटल कंटेंट ऑफ आरएनए इज द राइबोसोमल आरएनए।
आफ्टर राइबोसोमल आरएनए वी हैव द ट्रांसफर आरएनए। दिस ट्रांसफर आरएनए इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ट्रांसफर आरएनए का जो नाम है वही बताता है कि इसका काम क्या है। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये आपके सेल्स के साइटोप्लाज्म के जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको उठा के लाता है राइबोसोम तक। कौन सा अमाइनो एसिड कैरी कर रहा होगा ये टीआरएनए, ये डिपेंड करता है एमआरएनए की सीक्वेंस के ऊपर। अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे टीआरएनए का, बहुत इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। तो क्लोवर लीफ मॉडल आप देखेंगे चार रीजन में स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। ये आपका कहलाता है एंटीकोडॉन लूप, ये आपका कहलाता है डी लूप या डी एच यू लूप, ये कहलाता है टी लूप या टी साई सी लूप, और ये आपका अमाइनो एसिड अटैचमेंट। अब इसके आप चारों लूप्स का फंक्शन देखेंगे तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट लूप, इसके जो दो इंपॉर्टेंट रीजन है, एक आपका एंटीकोडॉन रीजन। एंटीकोडॉन के नाम से सजेस्ट होता है कि जो एमआरएनए के तीन तीन बेसिस का सीक्वेंस है जिसको मैंने पहले ही कहा उसको हम कोडॉन कहते हैं, उस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है एंटीकोडॉन। तो ईच टीआरएनए हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडॉन, वो जाके जहां भी एमआरएनए से मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग वो एक अमाइनो एसिड लेके आएगा। तो ये जो पोर्शन है ये काम करता है रिकॉग्निशन में, स्पेसिफिसिटी में, ये पहचानने का काम करता है, और अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट के ऊपर अमाइनो एसिड बाउंड होता है। तो अमाइनो एसिड साइट इज फॉर अटैचमेंट टू अमाइनो एसिड, एंटीकोडॉन साइट इज फॉर अटैचमेंट टू व्हाट, एमआरएनए, और ये दो जो साइट्स हैं ये राइबोसोमल अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। अब एक बड़ा पर्टिकुलर सा जो फीचर है इन इस टीआरएनए का, अपार्ट फ्रॉम दिस की ये स्पेसिफिसिटी देता है, रिकॉग्निशन में हेल्प करता है और अमाइनो एसिड कैरी करता है, इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये बहुत जगहों पे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब इसके अपने रीजन ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसकी वजह से ये सिंगल स्टैंड, आप देखिए यहां से 5' स्टार्ट हो रहा है और यहां पे 3' है, तो ये एक ही स्टैंड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन क्योंकि इसके इंटरनल रीजन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी वजह से ये इस तरह का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है। ओके, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये इसके अंदर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आपके पास कुछ मॉडिफाइड या अनयूजुअल बेसिस होती हैं, जैसे डी लूप में डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन DHU, मॉडिफाइड बेसिस ही होंगे ऑब्वियसली, वो जैसे यूरिडीन की मॉडिफिकेशन है डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन DHU कहते हैं उसको, इसलिए डी लूप, और टी साई लूप मींस सीडो यूरिडीन टी साई सी, साई यहां पे एक बेस होती है कॉल्ड एज सीडो यूरिडीन। तो दो तरह के मॉडिफाइड यूरिडीन रेजिड्यूस यहां पे पाए जाते हैं विच आर नोन एज अनयूजुअल बेसिस या मॉडिफाइड बेसिस। तो अपार्ट फ्रॉम जो चार नॉर्मल बेसिस होती हैं आपके आरएनए के अंदर, एडेनिन गुआनिन यूरेसिल और साइटोसिन, इनके इसके अलावा आपके पास टीआरएनए के केस में कुछ मॉडिफाइड बेसिस भी आपको देखने को मिलती हैं। और टीआरएनए का फंक्शन, इट कैरीज अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स, जो आपका साइटोप्लाज्म है वहां से लेके राइबोसोम तक लेके आता है। कौन सा अमाइनो एसिड लेके आना है, कौन सा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके आना है, ये कौन गवर्न करेगा, ये गवर्न करेगा एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर एक कोड होगा जिसको आप कोडॉन कहते हैं, उस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटी कोडॉन जिस भी टीआरएनए के पास होगा वो आके यहां बैठेगा, उसके पास जो अमाइनो एसिड होगा वो प्रोटीन को लगेगा, पहले तीन का कोड रीड होगा, फिर नेक्स्ट तीन का, फिर नेक्स्ट तीन का, इस तरह से ये कोड रीड होते जाते हैं। टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है, वो अमाइनो एसिड एक चेन की फॉर्म में पेप्टाइड बनाते चले जाते हैं। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसी होती है, बट उससे पहले इनका फंक्शन आप देख लीजिए टीआरएनए का। सो मूविंग ऑन, ये आपके तीन मेन तरह के आरएनए हो गए, आपका आपको मैंने बता दिया मैसेंजर आरएनए क्या है, आपको मैंने बता दिया राइबोसोमल आरएनए क्या है, और आपको मैंने बता दिया ट्रांसफर आरएनए क्या है। नाउ थोड़ा सा ब्रीफ जो हमने बात की अदर टाइप ऑफ आरएनए, तो सबसे पहले स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहां काम आता है, जब आपके एमआरएनए की प्रोसेसिंग हो रही होती है, स्प्लाइसिंग हो रही होती है, वहां पे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसकी स्प्लाइसिंग में ये हेल्प करते हैं, आप आगे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे व्हेन यू गो इन डिटेल अबाउट स्प्लाइसिंग, तो आप देखेंगे वहां पे कुछ छोटे छोटे आरएनए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्प्लाइसिंग के अंदर। दूसरा आपके पास ये जो आपने बात की माइक्रो आरएनए या स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या एंटीसेंस आरएनए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट आरएनए हैं बट स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं कुछ जीन रेगुलेशन में, किसी जीन, कभी किसी जीन के एक्टिवेशन में काम करते हैं, कभी किसी जीन की डाउन रेगुलेशन में काम करते हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आरएनए
कुछ आरएनएज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जितने भी एंजाइम्स नोन है, मेजोरिटी ऑफ देम आर प्रोटीन्स। कुछ एक एंजाइम्स जो हैं वो आरएनए होते हैं, आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम, इन सम केसेस आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम्स। उस केस में आरएनए, उस आरएनए को जो एंजाइम की तरह काम करेगा, जिसके पास एक्टिव साइट होगी, जिसके पास बाइंडिंग साइट होगी, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होगी, सब कुछ होगा जिसके पास, उस आरएनए को जो एंजाइम की तरह पूरा काम करेगा उसे हम राइबोजाइम कहते हैं, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम आपने याद रखना है, इट्स एन आरएनए व्हिच बिहेव्स और व्हिच फंक्शंस एज एन एंजाइम। उसके बाद लास्ट तरह का आरएनए, दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये टिपिकल तरह का आरएनए है जो नॉर्मल सेल्स में नहीं होता, कुछ एक वायरसेस के अंदर जीनोम की फॉर्म में। जीनोम मींस जेनेटिक मटेरियल, नॉर्मली आप बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, लेकिन एक्सेप्शंस कुछ वायरसेस हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए होता है, और वो कुछ वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, और कुछ वायरसेस जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को भी शो करते हैं एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो आपके अदर टाइप्स ऑफ आरएनएज हैं, ये आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। तो इसलिए मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ बताया इनके बारे में कि क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से सेल के लिए यूजफुल होते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट आरएनए की टाइप्स। तो आई होप आपको चीजें थोड़ी सी समझ आई होंगी, बेसिक्स पता चले होंगे आरएनए के बारे में और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन और वो कैसे होती है। थैंक यू सो मच।